पापा आप अचानक से यहाँ पर, आपने आने से पहले बताया क्यों नहीं? जिसकी इकलौती बेटी फोन पर शॉकिंग न्यूज दे कि उसने 10 दिन पहले शादी कर ली, उसके बाप को क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं पापा, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। और ये अभागा बाप क्या ही कहे, जिसकी बेटी ने उससे उसका कन्यादान का हक तक छीन लिया हो। पापा आप आराम से बैठिए तो सही, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बेटा ऐसे बाप की जिंदगी में आराम ही कहाँ, जिसकी बेटी ने उसे पराया कर दिया हो। शायद मैं ही ढीठ हूँ जो अपने दिल पर पत्थर रखकर इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ चला आया हूँ। तेरी माँ तो तुझसे बहुत नाराज है, लेकिन शायद प्यार भी बहुत करती है। तेरी शादी की खबर सुनकर उसने तो बिस्तर ही पकड़ लिया है। क्या माँ बीमार है? आप इस हालत में उन्हें अकेला छोड़कर क्यों आए? पापा आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बस कर तू, तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों से ना मेरा गुस्सा कम होने वाला नहीं है। और वो कहाँ है तेरा पति, जिसकी वजह से तूने अपने माँ बाप को पराया कर दिया? नमस्ते पापा जी। कौन हो तुम और मुझे पापा जी क्यों कह रहे हो? पापा ये मेरे पति राम है। ये अपाहिज तेरा पति है? ऐसी क्या कमी थी तुझ में जो तूने इस अपाहिज से शादी कर ली? तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा कि हमारा दामाद अपाहिज है? सच में तुमने ना हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, वो भी इस अपाहिज के लिए। पापा आपके दामाद का नाम राम है, आप इन्हें बार बार अपाहिज क्यों कह रहे हैं? वाह बेटा वाह, अब तू अपने बाप को बताएगी कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। तुझे तो खुद नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ पापा आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। तभी तो मुझ जैसे अपाहिज को इसने अपना पति बना लिया। जानकी ने आपसे ये सच छिपाया, मैंने तो जानकी को शादी तक के लिए मना कर दिया था, लेकिन मेरी हर बात के आगे आपके दिए हुए संस्कार जीत गए। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? पापा जी हम पिछले 8 साल से एक साथ हैं, एक साथ कॉलेज किया, एक साथ सारे एग्जाम्स क्रैक किए और लास्ट ईयर हमने ऑफिस भी एक ही साथ ज्वाइन किया। और जब सब कुछ सेटल ही था तो हमने शादी की प्लानिंग की। और जब 3 महीने पहले हम आपसे मिलने आ रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और मेरी ये हालत हो गई। क्या जानकी बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुमने हमें बताया तक नहीं? सच में बेटा तुमने हमें पराया कर दिया। पापा मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर राम के पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए जिसकी वजह से वो 2 महीने बेड से हिल भी नहीं पाए। पापा जी मेरी सारी जिंदगी बेड पर ही गुजर जाती अगर आपकी बेटी हिम्मत नहीं दिखाती। जानकी ने 2 महीने तक दिन रात मेरी सेवा की, टाइम पे दवाई देना, रेगुलर फिजियोथेरेपी कराना और हिम्मत और हौसला देना, ये सब जानकी ने बहुत अच्छे से किया। और जानकी की वजह से ही मैं बहुत हद तक ठीक हो पाया हूँ। ये तो मेरी बेटी का बड़प्पन था जो उसने तेरे लिए इतना कुछ किया और तूने अपने आप को इसके सर पर मढ़ दिया। अब सारी जिंदगी ये तेरा बोझ उठाएगी। सच कह रहे हैं पापा, मैंने तो कितनी बार इसको शादी के लिए मना किया, लेकिन इसके दृढ़ निश्चय के सामने मैंने हथियार डाल दिए। सच में पापा जानकी की हिम्मत और हौसले के आगे मैं ही हार गया। मेरी बेटी बहुत भोली है, जरूर तूने अपने प्यार के जाल में इसे फंसाया होगा, लेकिन तेरी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। तू यही चाहता था ना कि तेरी शादी जानकी से हो जाए? पापा आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये हादसा शादी के बाद होता तो क्या मैं अपने पति को छोड़ देती? अगर माँ के साथ कुछ ऐसा होता तो क्या आप माँ को छोड़ देते? और पापा अगर राम की जगह इस हादसे में मैं अपाहिज हो जाती तो? नहीं बेटा ऐसा मत कहो, भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए मेरे बच्चे। देखा पापा हर कोई अच्छा ही सोचता है, लेकिन किस्मत का लिखाना कोई भी नहीं डाल सकता। जो होना होता है ना पापा वो होकर ही रहता है। सही कह रही हो बेटा तुम, दामाद जी मुझे माफ कर दो,
मैं अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पापा जी, आप बस अपना प्यार और आशीर्वाद हम दोनों पे बनाए रखिए। और हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं दिल से जानकी से शादी करना चाहता था, और जानकी जैसी इस दुनिया में दूसरी कोई हो भी नहीं सकती। भगवान ने सच में मेरे किसी अच्छे कर्म का फल मुझे दिया है, जो जानकी जैसी जीवन साथी मिले। सच कह रहे हो बेटा, तुम दोनों के प्यार के आगे मैं हार गया, और तुम दोनों की जोड़ी राम जी ने बनाई है। राम और जानकी की जोड़ी हमेशा बनी रहे।